हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे लौकी के कोफ्ते। कोफ्ते बनाने के लिए दो हरी मिर्च साफ़ पानी से धो के बारीक काट लेंगे। 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा साफ़ पानी से धो के छील लेंगे, बारीक काट लेंगे या कद्दूकस कर लेंगे। 250 ग्राम प्याज, प्याज को छील के इस तरह से मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा साफ़ पानी से धो के छील लेंगे, अदरक को इस तरह से मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे प्याज को पीसने के लिए। जार का ढक्कन बंद करेंगे और प्याज को बारीक पीस लेंगे। प्याज बारीक पीस लिए हैं इस तरह से, ये देखिए। जिस जार में प्याज पीसे थे उसी जार में टमाटर पीस लेंगे। टमाटर को साफ पानी से धो लेंगे, 250 ग्राम टमाटर हैं, और इस तरह से मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। जार का ढक्कन बंद करेंगे और टमाटर को बारीक पीस लेंगे। 800 ग्राम लौकी, लौकी को साफ पानी से धो लेंगे, नीचे की साइड से थोड़ा सा काट देंगे और डंठल को भी काट देंगे इस तरह से, पीलर या चाकू की हेल्प से छील लेंगे। कद्दूकस की मीडियम वाली साइड से कद्दूकस कर लेंगे, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा बारीक। कद्दूकस की हुई लौकी को उबाल लेंगे। लौकी को उबालने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, लौकी में काफ़ी मात्रा में पानी होता है, इसी में लौकी उबल जाएगी। गैस फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे लौकी जलेगी नहीं और धीरे धीरे अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगी। चम्मच से चला देंगे इस तरह से, लौकी ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। लौकी में उबाल आना शुरू हो गया है, थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, चला देंगे। 5 मिनट हो गए हैं लौकी को पकते हुए, गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे, लौकी को ठंडा कर लेंगे। लौकी ठंडी हो गई है, इस तरह से हाथों के बीच में लेके निचोड़ लेंगे। लौकी को निचोड़ने के लिए सूती कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक थाली लेंगे, इसके ऊपर सूती कपड़ा रखेंगे, लौकी को कपड़े के ऊपर रखेंगे, कपड़े को इस तरह से कोनों से उठाएंगे, पोटली बना लेंगे और इस तरह से घुमाते हुए निचोड़ेंगे। इस तरह से लौकी के अंदर जितना भी पानी होगा वो सारा निकल जाएगा, लौकी अच्छे से निचुड़ जाएगी। लौकी में से जो पानी निकला है इसका इस्तेमाल आप कोफ्ते बनाने में कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। लौकी को एक थाली में निकाल लेंगे, इसमें डालेंगे अदरक, अदरक को मैंने कद्दूकस किया है, कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, आधी छोटी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे, देगी मिर्च ली है मैंने, ये तीखी कम होती है, 2-3 चुटकी हल्दी डालेंगे, आधी छोटी चम्मच पिसा धनिया, 1 छोटी चम्मच सौंफ। सौंफ डालने से कोफ्तों में अच्छा फ्लेवर आएगा, आप चाहें तो सौंफ को स्किप भी कर सकते हैं। 100 ग्राम बेसन, बेसन को छन्नी में छान के इस्तेमाल करेंगे, 1 छोटी चम्मच नमक, नमक आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। कोफ्ते का मिश्रण बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, लौकी में अभी भी मॉइस्चर है, उसी में कोफ्ते का मिश्रण आसानी से बाइंड हो जाएगा। आप चाहें तो ज़रूरत अनुसार थोड़ा बेसन और डाल सकते हैं, ज़्यादा बेसन ना डालें, ज़्यादा बेसन डालने से कोफ्तों में लौकी का कम और बेसन का स्वाद ज़्यादा आएगा। थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेंगे इस तरह से और गोल शेप देंगे। सारे कोफ्ते आप एक साथ भी बना के रख सकते हैं और एक एक करके भी गर्म तेल में डाल सकते हैं, जैसे हम पकौड़े फ्राई करते हैं एक एक करके तेल में डालते हैं, वैसे भी आप कोफ्ते बना सकते हैं। कोफ्ते फ्राई करने के लिए तेल को मीडियम गर्म करेंगे। तेल का टेम्परेचर चेक करने के लिए थोड़ा सा मिश्रण तेल में डाल के देखेंगे, तेल में हल्के हल्के बबल्स आने लगे हैं, तेल का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है कोफ्ते फ्राई करने के लिए। एक एक करके तेल में डालेंगे, एक साइड से डालेंगे, इस तरह से ध्यान से डालेंगे, तेल गर्म है। एक बार में जितने कोफ्ते आसानी से तेल में आ जाएँ उतने ही फ्राई करने हैं। थोड़ी देर के लिए कोफ्तों को नीचे से फ्राई होने देंगे, उसके बाद पलटेंगे।
मिनट हो गया है कोफ्तों को नीचे से फ्राई होते हुए, इनको इस तरह से पलट देंगे। पलटते हुए ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। बीच बीच में अलटते पलटते रहेंगे इस तरह से। कोफ्ते फ्राई हो गए हैं, निकाल लेंगे कढ़ाई में से। कढ़ाई में से एक्स्ट्रा तेल निकाल लेंगे, मसाला भूनने के लिए तेल बचाएंगे। तेल अभी गर्म है, ध्यान से निकालेंगे या फिर आप तेल को ठंडा करने के बाद निकालें कढ़ाई में से। कढ़ाई में मैंने एक बड़ा चम्मच तेल बचाया है, लगभग 60 ml तेल है ये। इसमें डालेंगे 2-3 तेज़पत्ते, 2 बड़ी इलायची, बड़ी इलायची को बीच में से तोड़ के डालेंगे। 1 छोटी चम्मच जीरा, जीरे को चटकने देंगे। जीरा चटक गया है, पिसे हुए प्याज डाल देंगे। चला देंगे प्याज को, प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक प्याज में लाइट ब्राउन कलर ना आ जाए। गैस फ्लेम आप ज़रूरत अनुसार रख सकते हैं, बीच बीच में चलाते रहेंगे। प्याज भून गए हैं, अब इसमें डालेंगे पिसे हुए टमाटर। जार में थोड़ा सा पानी घुमा के डाल देंगे, चला देंगे। 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, नमक आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे। 1 छोटी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। तीखी मिर्च ली है मैंने, ये तीखी कम होती है। 2 छोटी चम्मच पिसा धनिया डालेंगे। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक मसाला साइडों से तेल ना छोड़ दे, और बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच सब्जी मसाला। सब्जी मसाला डालना ऑप्शनल है, आप इसकी भी कर सकते हैं। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाला भुन गया है, मसाले में जो पानी था वो सूख गया है और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। मसाले में ग्रेवी बनाने के लिए पानी डालेंगे। 3 गिलास पानी डाला है मैंने, गैस फ्लेम फुल कर देंगे और ग्रेवी में उबाल आने देंगे। ग्रेवी में उबाल आ गया है, चला देंगे और थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। 1 मिनट हो गया है ग्रेवी को फुल फ्लेम पे पकते हुए। कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, कोफ्ते डाल देंगे, चला देंगे, थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे, चला देंगे, गैस फ्लेम मीडियम कर देंगे और कोफ्तों को मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। कोफ्तों को मैंने 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाया है। कोफ्ते बन गए हैं, ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। कोफ्तों को आप रोटी, चावल, जो भी आपको पसंद है उसके साथ खा सकते हैं। एक कोफ्ता काट के दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए सॉफ्ट कोफ्ते बने हैं और मैश भी नहीं हुए हैं, अंदर तक अच्छे से पक गए हैं। अगर आपको लौकी के कोफ्ते की ये रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।